हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट टू, जो कि जीके और करंट अफेयर का होगा, जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज है उसके लिए, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दोनों वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनो, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो ड्राइवर की वैकेंसीज निकली हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जीके और करंट अफेयर का पार्ट टू है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पर्सन शोन इन द पिक्चर एसोसिएटेड। तो जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर जो है वो कौन से पर्सन से रिलेटेड है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो ये पिक्चर को आप जरा ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये चार ऑप्शन है, तो ये जो पर्सन है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाते थे, किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है, ये उस्ताद बिस्मिल खान है। ये कौन है, ये उस्ताद बिस्मिल कान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच अमंग दी सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्न। कह रहा है कि इनमें से कौन सी सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर है जो किसकी कैटेगरी के अंदर आती है, महारत्न के अंदर आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंतर्गत ये आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि अश्व घोष वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग। तो अश्व घोष जो थे वो किसके पोएट थे, किस राजा के जो थे वो कवि थे। तो अश्व घोष वाज द पोएट इन द कोर्ट ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। तो कनिष्क कोर्ट, कनिष्क के राज दरबार में कौन थे, पोएट थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, में से कौन सी जो है वो सबसे फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जो जमीन है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, लॉमी सॉइल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कि इन विच स्टेट कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। कह रहा है कि कामलंग वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि वट परसेंटेज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट हैज़ बीन सेट असाइड फॉर स्टार्टअप एंड प्राइवेट एंटाइसिस इन द यूनिट इन द यूनियन बजट 2022-23 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 25%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि वदवाना वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है। वदवाना वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वदवाना जो वेटलैंड है वो कौन से राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड वन फाइंड द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सातवें शेड्यूल में हमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट जो लिस्ट है यानी कि समवर्ती जो सूची है वो हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट इज करेक्ट। तो पहला है किदांबी श्रीकांत बैडमिंटन और देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक। तो कौन सा इसमें से सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर फोर, बोथ ए एंड बी दोनों ही ये सही है। यानी कि जो किदांबी श्रीकांत है वो बैडमिंटन से रिलेट करती हैं और देवेंद्र झाझरिया जो है वो भाला फेंक से है, यानी कि आपका जेवलिन थ्रो से रिलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि द सातवाहन किंगडम मेनली कंप्राइज ऑफ द प्रेजेंट डे। कह रहे कि सातवाहन साम्राज्य में प्रमुख रूप से वर्तमान का डैश शामिल था क्या। तो सातवाहन साम्राज्य यानी कि सातवाहन जो डायनेस्टी थी उसमें वर्तमान में क्या शामिल था, आज वर्तमान का क्या शामिल था, वो था महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द लीगल प्रोविंसेस गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर लेड डाउन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। कह रहे कि विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रण करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 1934।
फिर पूछा गया कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द विश्व, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द विशिष्टादित्य फिलोसफी, विशिष्टादत्व, विशिष्टा द्वैत्व फिलोसफी के जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि रामानुजाचार्य थे, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हु वॉन द 2022 नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबल पुरस्कार किसने जीता था। तो वो जीता था आपके ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा बेन एस बर्नार के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और आपका फिलिप एच डेविग ने, ये ऑप्शन ये जीता था आपका 2022 के लिए नोबल पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि अशोक इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। कह रहा है कि अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ग्रीक एरामिक लिपि में ये लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द स्मृति जुबैन ईरानी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्मृति ईरानी द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल सलाम, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज एस्टेब्लिश द पॉपुलर नालंदा यूनिवर्सिटी। तो निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो वो की आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुमार गुप्त वन ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इंडिया नोवल टॉम्ब ऑफ सैंड हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022, इट हैज बीन ऑथोराइज बाय हु अमंग्स दीज। तो इंडिया नोवल टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि भारतीय उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 जीता है, यह मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखी गई है, कौन सी, टॉम्ब ऑफ सैंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पूछा गया है कि निखात जरीन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन 2022, शी इज अ प्रोफेशनल प्लेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो आपका जो ये खिलाड़ी है कौन, निखात जरीन, ये किस गेम से रिलेट हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉक्सिंग से ये रिलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन में है, कह रहा है कि एवरी ईयर अक्टूबर 11 इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल 2022। तो 2022 की थीम आपसे पूछी जा रही है क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, अवर टाइम इज नाउ अवर राइट्स एंड अवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द टर्म फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच एंशियंट टेक्स्ट कंपोज्ड इन द 4th century बाय कालिदास इन इट्स अर्ली पार्ट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द महाकाल टेम्पल। तो कौन सा एंशियंट टेक्स्ट है, विच एंशियंट टेक्स्ट कंपोज्ड इन द 4th century बाई कालिदास ने कौन सा एंशियंट टेक्स्ट लिखा था। इन द अर्ली पार्ट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन, जो महाकाल टेम्पल के बारे में जो हमें जानकारी देता है, तो वो लिखा था कौन सा, मेघदूत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो है यांगजे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन। ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को डैश में रखा जाता है, किस में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट एंड कमिटेड सेंटेंस इन द सर्टेन केसेस। तो ये संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। तो है आपके पास आर्टिकल 72, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इन विच यूनियन टेरिटरी वाज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायो टेक पार्क इनोग्रेटेड इन मई 2022। तो मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो वो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज के सेशन के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए और आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट ड्राइवर की रिक्रूटमेंट के लिए। तो उम्मीद है 25 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।